एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वीं जयंती पर सद्भावना दिवस मनाते हुए शपथ लिया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 20 अगस्त को हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सद्भावना प्रतिज्ञा लिया है। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, अपर सिटी मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित, सीआरओ चंद्रशेखर मिश्रा सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, और इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर एक प्रतिज्ञा की जाएगी और सभी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जात संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा का सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। इस दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। अभी कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्ट्रेट के जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, सभी की उपस्थिति में सद्भावना दिवस मनाया गया। निर्देशानुसार एक प्रतिज्ञा सबके द्वारा ली गई और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया।